if the equation equation 3x square plus 7xy plus 2y square plus 5x plus 5y plus 2 is equal to 0 represents a pair of lines, then find the separate lines. Let me repeat the lines again. 3x square plus 7xy plus 2y square plus 5x plus 5y plus 2 is equal to 0 represents a pair of lines, then find the separate lines. Okay, separate lines. एक तो आप लोगों के पास वो traditional method होता है, traditional method है हमारे पास कि मैं इसको consider कर लूँ quadratic in x और in quadratic in y means 3x square plus 7y plus 5 into x plus बाकी सारा का सारा constant and then use it. I am giving you another method. ये जो पोर्शन है आप लोगों का दिस मच, इसको फैक्टराइज कर लो इन द रफ. दैट मीन्स 3x square plus 6xy plus xy plus 2y square. ओके जी, टेक आउट 3x कॉमन फ्रॉम हेयर. तो सेपरेट लाइंस मतलब सेपरेट, उसके फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास 3x plus y and x plus 2y, ये उसके लाइंस बन गई. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस दैट 3x square plus 7xy plus 2y square plus 5x plus 5y plus 2 is equal to, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हम लोग बनाया करते हैं, इज इक्वल टू 3x plus y plus a into x plus 2y plus b. ओके जी, say this whole thing is equal to this thing. Now my only aim is to find out the value of a and b. Let us do that. For that purpose I will compare the coefficients. Comparing x, x ka coefficient compare kar dete hain. Udhar x ka coefficient compare karun kya aa raha hai, a into x, a aa jayega. Theek hai, x 3x multiply hoga b के साथ, तो 3b इज इक्वल टू, इधर x का क्वेश्चन क्या आ रहा है 5. क्लियर, x कंपेयरिंग x कर रहे हैं. यू में डू x स्क्वायर से हमारा काम नहीं बनेगा, तो मैं सिर्फ x और y के क्वेश्चन कंपेयर करूंगा. यहां पे x, x कब आएगा जब ये 3x इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा. जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा xy आएगा. तो x कब आएगा जब वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो आई एम राइटिंग इट 3b. इन द सेम वे ये x जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 3x square plus xy plus ax. तो यहां क्या आएगा a, इधर x का क्वेश्चन क्या है 5. ठीक है, और इधर कंपेयरिंग y इन द सेम वे, कंपेयरिंग y यस 5 इज इक्वल टू y into b प्लस 2a. ओके जी, नाउ यू हैव टू इक्वेशंस इन a एंड b. ए और बी के वैल्यू निकालो, वापस यहां पुट करो, देखे हुए सेपरेट लाइंस. लाइक ए की वैल्यू मैं वहां रिप्लेस कर दूं, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3b, दैट गिव्स यू 5 इज इक्वल टू बी प्लस 10 माइनस 6b. सो दिस इज माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5b, बी इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ नेक्स्ट b अगर आपके पास 1 आ गया तो a क्या आने वाला है, a इज इक्वल टू 2. ओके, 5 माइनस 3 2, सो सेपरेट लाइंस आर, लाइंस आर 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज हाउ यू कैन गेट द सेपरेट लाइंस. उसके बाद अगर आप लोगों ने उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देना, देन हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं किस तरीके से निकाला जाता है ये. 3x की ये इक्वेशन हमें दी हुई थी, जितना आपका स्केयर्ड पोर्शन होगा उसके रफ में जाकर के आप फैक्टर बनाओ लाइक दिस. एक फैक्टर में a ऐड कर दो, दूसरे में b कर दो, किसी में a किसी में b ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. एक में a करो एक में b करो. ओके जी, देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ द साइड्स, इधर x का कोफिशिएंट क्या आने वाला है 5, उधर x का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है, कंपेयरिंग दिस x, x मल्टीप्लाई होगा b के साथ, देन दिस विल बी थ्राइस ऑफ b.
इधर x मल्टीप्लाई होगा a के साथ प्लस a इज इक्वल टू 5, 5 यहां से आएगा इज इक्वल टू कंपेयरिंग y ऑन सेम लाइंस, इधर क्या आएगा 5, उधर y का क्वेश्चन कंपेयर होगा पहले y इंटू बी बी नेक्स्ट y प्लस 2a, सॉल्व करो उन दोनों को, पुट देम देयर, यू गेट द सेपरेट लाइंस, दिस इज द थिंग. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम टेकिंग, यू कैन डू वन मोर क्वेश्चन एट योर ओन प्लेस सेम वे. फाइंड द सेपरेट लाइंस फॉर, सेपरेट लाइंस फॉर सेपरेट लाइंस फॉर 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके मतलब ये यू डू इट जस्ट एज ए प्रैक्टिस. सो सेपरेट लाइंस द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द अदर इज 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज हाउ यू कैन गेट द लाइंस. वन मोर क्वेश्चन विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हेयर, वो ये बनता है कि आपका जो एग्जामिनर है इनमें से कोई भी एक नंबर मिस कर देगा. क्लियर, जैसे सारे लिखे हुए हैं 3, 6, 13, 6, 8, 7 एंड 2, इनमें से कोई भी एक नंबर वो मिस कर देगा. से उसने ये 2 मिस कर दिया, राइट, देन ही विल आस्क यू कि जी प्लस लैम्डा या प्लस के, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, देन फाइंड लैम्डा. ओके तो लैम्डा किस तरीके से निकाला जा सकता है, यू विल से दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस इफ ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सारे के सारे पैरामीटर इसमें रिप्लेस करो एंड देन फाइंड आउट लैम्डा, दैट विल बी फ्रॉम द ऑप्शन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर विच कैन बी आस्क्ड. ओके फॉर एग्जाम्पल यहां करूं, ए क्या आएगा आपका 6, बी आपका क्या आएगा 6, सी आपका क्या आने वाला है लैम्डा प्लस 2, एफ क्या आने वाला है यहाँ पे 2 जी एक्स होता है, एफ इज 7/2, जी आपके पास क्या आने वाला है 4, एच एच क्या आने वाला है 13/2 माइनस ए इज 6, एफ स्केयर इज 7/2 होल स्केयर माइनस बी, बी इज व्हाट 6, जी जी इज व्हाट 4 स्केयर माइनस सी, सी इज व्हाट लैम्डा, एच एच इज व्हाट 13/2 होल स्केयर इज इक्वल टू 0. सॉल्व दिस इक्वेशन, टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑन दिस जस्ट टू elaborate the topic more in detail. Yes, show that the lines 3x square plus 8xy minus 3y square is equal to 0 and 3x square plus 8xy minus 3y square प्लस 2x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर, रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर. ओके जी, नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेपरेट लाइंस फ्रॉम हेयर एज वेल एज फ्रॉम देयर. सेम एक्सरसाइज अगेन, 3x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 3x इंटू x प्लस 3 y so this is 3x minus y is equal to 0 and x plus 3y is equal to 0, these are the separate lines. Okay, now again same thing, ye to iski ho gayi 3x square plus 8xy minus 3y square plus 2x minus 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस y प्लस a इंटू x प्लस 3y प्लस b, राइट. नाउ अगेन कंपेयरिंग x हेयर 2, एज आई टोल्ड यू अर्लियर 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज 3b प्लस a एंड अदर इज माइनस 4, वाई का कोएफिशिएंट माइनस 4 है इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस 3 है, ओके जी। यहां से ए की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं उधर, माइनस 4 माइनस बी प्लस 3 इंटू ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बी, दिस इज माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 6 माइनस 9 बी, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 बी, बी इज इक्वल टू 1, ओके जी। बी की वैल्यू अगर यहां 1 है तो ए क्या आ रहा है, माइनस 1, राइट। सो सेपरेट लाइंस आर, सेपरेट लाइंस आर, उसकी सेपरेट लाइंस क्या बन गई, 3x माइनस वाई, ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड देन बी की वैल्यू वहां रिप्लेस करो, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके जी। ये आपके पास आ गई चारों लाइन है। अब इसके बाद एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू, एंड देन मल्टीप्लाई दैट स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के आप लोगों को पता लग जाएगा स्क्वायर है कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन देम, रिकॉल द मेमोरी, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता था, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 1, यानी कि 1 बाय रूट 10। उधर डिस्टेंस क्या बन रहा है, सेम 1 बाय रूट 10, दिस डिस्टेंस सेम शोज दैट इट इज ए स्क्वायर, ओके। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम आ गया, मीन साइड्स आर सेम, सो इट्स ए स्क्वायर, राइट। इफ इट इज ए स्क्वायर देन एरिया विल बी 1 बाय 10 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, यू कैन डू इट फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन ए रेयर एंट्रेंसेज, बट सिंस देर आर सो मेनी एंट्रेंसेज तो कहीं ना कहीं पे होता है तो अपना कवर कर लेना चाहिए। यस, लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन, टॉपिक क्या है, लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन एंड ए कर्व, एंड ए कर्व, ओके जी। व्हाट द टॉपिक सेज, टॉपिक ये है आपके पास, लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड द कर्व, मीन्स ध्यान दो जरा, से दिस इज अ कर्व, एनी कर्व हेयर, राइट, दिस इज अ लाइन हेयर, राइट, लेट द लाइन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, द कर्व इज एनी कर्व, कैन बी अ सर्कल, कैन बी अ पैराबोला, कैन बी एनीथिंग एल्स, मतलब सेकेंड डिग्री में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, अब डोंट टेक इट ग्रांटेड कि अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन्स ही बनेगी, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ओके जी। द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करेगा फ्रॉम ओरिजन दिस एंड दिस, इनकी ज्वाइंट इक्वेशन क्या बनेगी, राइट। मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से इस पूरी की पूरी इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन बना देंगे, अग्रीड। इसकी और इसकी हेल्प से, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस पूरी की पूरी इक्वेशन को होमोजेनियस बना देंगे, और वो जो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी दैट विल रिप्रेजेंट द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दिस, इज इट क्लियर। क्या मतलब है मेरा, कि जैसे आपके पास इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, आई कैन राइट इट एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई, फर्दर वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन वन। अब इस वन की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं इंटू एक्स, इस वन की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं, राइट, इसको स्केयर करके यहां रिप्लेस कर देते हैं, अग्रीड। सो दिस होल इक्वेशन बिकम्स होमोजेनियस, मतलब सारी की सारी इक्वेशन स्केयर में हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, और आपको भी उसका वे बता देते हैं, मतलब होमोजेनियस फॉर्म विल बी, फॉर्म विल बी क्या होगा, ये होमोजेनियस है, जरूरत ही नहीं छेड़ने की, दिस इज ये एज इट इज आएंगे प्लस 2gx इनटू, अब इसके साथ में मेरे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म्स आनी चाहिए,
सो द थिंग्स आर दिस माइनस, यहां माइनस बना देते हैं, माइनस एल एक्स एम वाई अपॉन एन, हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई दोनों होमोजेनियस पार्ट में, इन द सेम वे देयर, वहां भी यही रिप्लेस कर देते हैं, माइनस टू एफ इंटू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन प्लस सी, प्लस सी के लिए इंटू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन होल स्क्वायर, यहां स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर तो चाहिए हमें. सो दिस इज द, दिस बिकम द होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दीज टू लाइन डॉटेड जो मैंने कही है. उसके बाद जो भी कहेगा एग्जामिनर फिर वो निकालता, राइट. मैं काउंटर क्वेश्चन ले रहा हूं इसके ऊपर, दो वेरी रेयरली आस्क बट यू मस्ट कवर इट. यस द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, द एंगल बिटवीन द लाइन्स joining the origin to the point of intersection of the line x root 3 plus y is equal to 2 and the curve x square plus y square is equal to 4. Okay, this is what he is asking you. Kya keh raha hai wo? Find the angle between the line joining the origin to the point of intersection of this and this. X square plus y square is equal to 4. Later on you will came to know that this is a circle. Is tarike se a situation. 4 means 1, 2, यहां कहीं कर्व है आपका. ओके जी, लाइन्स मतलब ये जो लाइन है आपकी, दैट्स मेकिंग इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऑन, अगर इसको 0 रिप्लेस करें, यस लाइक दिस, से दिस इज द लाइन, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. ओके जी, दिस इज अ लाइन. So make it homogeneous with it. Line क्या है हमारे पास, x root 3 plus y is equal to 2, as I told you, x root 3 plus y upon 2 is equal to 1 हो जाएगा. इसको homogeneous बनाने के लिए x square plus y square is equal to 4 है, minus 4 is equal to 0 है, 4 part homogeneous नहीं है, 4 into, उसकी जगह इसको replace करो, x root 3 प्लस y अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके जी, दैट गिव्स यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर. ब्रैकेट खोलूंगा, 2 टू द 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, देन x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा माइनस 2 रूट 3 एक्स वाई. सो द लाइन बिकम्स एक्स 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, प्लस 2 रूट 3 एक्स वाई इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एंगल बिटवीन देम निकाला जा सकता है. सो टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज प्लस माइनस 2 रूट ऑफ h, h इज वॉट रूट 3 माइनस a इंटू बी, बी 0 है तो 0 अपॉन a प्लस बी मीन्स 2, राइट, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, 60 डिग्री एंगल आ जाएगा. क्लियर दिस टॉपिक. सो दैट्स ऑल योर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज ओवर नाउ. दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव डन इन स्ट्रेट लाइन. Now let me recheck the assignment again. कोई question रह गया? So वो हम लोग अभी cover कर देते हैं. Yes, now let us take it.
On first page, I don't think any question left. Second page, yes. 13th question left. The question was, a ray of light coming from the point 1 to, a ray of light coming from the point 1 to, a good question, 1 to, reflected at a point A on x axis, okay ji, and then passes through the point 5, 3, 5, 3 means fir wo pass ho jati hai, right. Let this point is A0, x, any point on x axis can be taken as A0. A0 यहाँ point ले लेते हैं, then this angle will be, अगर ये alpha ले रहा हूँ, tan alpha, okay. अगर ये angle alpha ले रहा हूँ, तो ये पूरा क्या बन जाएगा angle आपका, tan of 180 minus alpha, okay. Tan alpha is slope just 2 minus 0 upon 1 minus A, this will be negative of 3 minus 0 upon 5 minus A, A की value find करो, you will get the result. So, A comes out to be, the point A comes out to be from here, yes, let us find it out, 10 minus 2A is equal to minus 3 plus 3A, so that gives you 7, 13 is equal to 5A, yes, so A is equal to 13 by 5, so the required answer, it should be A part 13 by 5 and 0, okay. Next question, 16th reh gaya tha beech mein. ये थोड़े अलग किस्म के क्वेश्चंस थे. 16 क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. टू लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए एट एन एंगल 30 डिग्री. ए पॉइंट बी इज टेकन ऑन वन ऑफ देम एट ए डिस्टेंस 1 फ्रॉम इट. लेट अस मेक द डायग्राम फर्स्ट. ओके जी, टू लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए, इस पॉइंट को लेके चलते हैं ए, एट एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है जी. ए पॉइंट बी इज टेकन ऑन वन ऑफ देम एट ए डिस्टेंस 1, 1 जरा बड़ा सा लेना, से दिस इज 1 बी, यहां से कहता है जी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया यहां पे पी लेंथ, ओके, तो पी, उसको पी 1 मार्क दे रहा हूं. P1, using simple trigonometry, this angle is 30 degree, this is 60 degree, right, this much length is 1, so P1 comes out to be a 90 degree, P1 comes out to be P1 upon 1 is equal to sine 30, P1 upon 1 is equal to sine 30, so P1 is half, sine 30 you know half, right जी. Next what he says, यहां से फिर perpendicular draw किया जाता है, यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, दिस इज P2 नाउ, दिस एंगल इज 30 हेयर, दिस एंगल विल बी नाउ 60, ओके जी. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस P2, P1 हमारे पास है P2, नाउ दिस टाइम P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू साइन 60, यही आएगा ना, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू साइन 60, P2, P2 is equal to P1 sin 60, so P2 is equal to P1 is half into root 3 by 2, means P2 comes out to be root 3 by 4, okay ji. Next, वो कहता है ये process further चलेगी, यहां से perpendicular drop किया गया यहां पे, say this is P3, okay, now this angle is 30, right, this angle is 30, P2 मेरे पास है, अब मैं इसकी हेल्प से ये निकाल सकता हूँ, P2 की हेल्प से, now P3 is equal to P2 sin 60, right जी, P2 is, P3 is equal to, यही बनेगा, this is hypotenuse, P3, P3 upon P2 is equal to sin 60, okay, P3 is equal to P2, P2, P2 is what, root 3 by 4, sin 60 is what, root 3 by 2, so this is 3 by 8, P3 is 3 by 8, okay, both and 3 nikal diye. From these 3 you will came to know they form a GP. GP, first term 1 by 2 with common ratio root 3 by 2. Sum of GP kya hota hai? S infinity is equal to A upon 1 minus R. A hamare paas hai 1 by 2 R, here be conscious R should be less than 1. Matlab jo R ki value hai yahan pe,
जब भी इनफाइनाइट जीपी लगाओ मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन वन, ध्यान रखना। सो मॉडुलस ऑफ आर रूट थ्री बाय टू यहाँ पे लेस देन वन है, सो एस इनफिनिटी बिकम्स ए इज वन बाय टू, वन माइनस रूट थ्री बाय टू, सो दिस इज वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, दिस इज द आंसर। चेक फॉर द आंसर, वो सारे के सारे उसमें ले रहे हो, इसको रैशनलाइज करते हैं, टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री, सो बी इज द आंसर। ओके नेक्स्ट, और इस पेज पे कोई नहीं रहा था, नेक्स्ट पेज पे कोई नहीं है, यस। नेक्स्ट नाउ 45th क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दिस आई हैव टोल्ड यू कि एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों के सेपरेट एंगल्स निकाल लेना। लेट मी रिकॉल वंस अगेन, दोनों के सेपरेट एंगल्स निकाल लेना, एक लाइन इस तरीके से है, दूसरी इस तरीके से है, राइट, दिस इज द बाइसेक्टर बिटवीन देम। ओके, वो कहता है एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालो, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर इज इक्वेशन ऑफ एंगल्स 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एंड देन दिस इज 12x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंगल बाइसेक्टर्स एज आई टोल्ड यू आर 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 16 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 अपॉन 13, राइट। तो सेपरेट लाइंस निकाल दे रहा, सेपरेट लाइंस कम्स आउट टू बी, आई हैडंट कैलकुलेटेड, 39x, सेपरेट लाइंस निकाल लेना यहां से, 39x माइनस 54y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x प्लस 25y माइनस 10, सो दिस गिव्स यू 69 1 21x माइनस प्लस 979y माइनस 101 प्लस 10 101 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये आ जाएगी आपके पास, प्लस सॉरी दिस इज 52 दिस इज 77, एक लाइन ये आएगी आपके पास, द अदर लाइन विल बी, उधर माइनस लो सभी, 39x दिस इज वन लाइन, देन अदर लाइन इज 39x माइनस 52y प्लस 91 इज माइनस 60 प्लस 25y x माइनस 10, ओके जी, दैट गिव्स यू प्लस दिस 99x, ओके दिस इज x हियर, एंड देन कम हियर माइनस माइनस 52 प्लस 25 माइनस 77 y, ओके जी, यस माइनस हो जाएगा, इधर आकर के वो प्लस होगा, नो माइनस 77 नहीं माइनस 52, माइनस इधर होगा, इधर आकर प्लस होगा, 52 माइनस 25 73 माइनस 37 y, एंड देन माइनस 10 प्लस 91 माइनस 10 प्लस 81, ओके जी जीरो, दिस इज दीज आर द लाइंस, सो यू जस्ट फाइंड आउट, इज 9 से डिवाइड हो रहा है पूरे का पूरा, ये 9 से 9 11x, हाँ हेयर इज प्रॉब्लम, यहाँ 27 आएगा, हाँ 9 से पूरा डिवाइड होगा ये, 11x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, इफ दैट एंगल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1 देन दैट बाइसेक्ट्स द ऑब्ट्यूज एंगल, इफ दैट इज लेस देन 1 देन दैट बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल, सो द आंसर हियर इज ए, राइट। नेक्स्ट 47th, 47th इज क्वाइट फैमिलियर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y square minus x square plus 2x minus 1 is equal to 0, okay, here you apply that thing, मतलब this, वो delta निकालो जरा, a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square is equal to 0, यहाँ values replace करो और check करो कि क्या ये is equal to 0 आ रहा है, a is what,
minus 1, b is what? 1, c is what? Minus 1, so this portion is 1 plus 2fgh, f y ka coefficient hota hai, ye to sara 0 ho gaya, f ye bhi 0 ho gaya, b is what? Minus b humare paas hai 1, g is what? Wo bhi 1 hai, 1 square, minus c humare paas hai minus 1, okay, h hai hi nahi, x y ka term ka coefficient ko h kehte hai, so that is 0, 0 is equal to 0, so this represents a pair of straight lines. A is the answer. Next is, yes, 48th question now. 48th pair of lines ka ye. Is if one of the lines of the pairs ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects the angle between the positive direction of x is. Positive direction of x is bisect kaun kar sakta hai? Y is equal to x. So the things are ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. What he says, if one of the lines of the pairs of this bisects the angle between the, so isme matlab y is equal to x isko satisfy karni chahiye, y is equal to x satisfies it. तो y की जगह x replace कर दो, x की जगह y replace कर दो, वो आपकी इच्छा है. ax square plus 2hx square plus bx square is equal to 0. So यार x square x throughout cancel करो, a plus 2h plus b is equal to 0. So this should be the answer. Yes, b part is the answer, a plus b is equal to minus 2h. Clear now? This is the result. Yes, next now, 51st question. 51st, again pair of lines ke upar. If one of the lines given by this is this, matlab ye aapko ek line de di gayi hai, 6x square minus xy plus 4cy square is equal to 0. Wo kehta one of the line is 3x plus 4y. एक लाइन उनमें से ये है कहता, तो c की वैल्यू निकालिए क्या आने वाली है. ओके जी, अब यहां पे 3x is equal to minus 4y, तो x is equal to minus 4y by 3 यहां रिप्लेस करो, देन यू विल गेट द रिजल्ट, c की वैल्यू आ जाएगी 3x is equal to minus 4y, x is equal to minus 4 upon 3y, so 6 into minus 4 by 3y whole square. चाहे x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे y की वैल्यू पुट कर दो, माइनस x इज माइनस 4 बाय 3 y इनटू y प्लस 4 c y स्क्वायर एज इट इज. पहले की तरह y स्क्वायर कंप्लीट लेकर के इसको खत्म कर दो, सो दिस इज 16 इनटू 6, 6 इनटू 16 अपॉन 9 y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 y स्क्वायर प्लस 4 c y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके जी, 32 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, सो c सॉल्व करो, 8 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 3 मींस माइनस 3. यस, माइनस 3 इज द रिजल्ट. 51st आंसर इज b. क्लियर? Next now, yes, question number 61 chhod diya tha humne, wo bhi pair of lines se tha. 61 is, if the pair of straight line this and this have the same angular bisector, then lambda is equal to, agar kehta dono ka same angle bisector hai, तो पहली जो लाइन है आप लोगों की ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, ये तो स्टैंडर्ड है, इसका तो एंगल बाइसेक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है. जो दूसरी लाइन है उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल देते हैं, दैट इज a4x square plus 2 lambda xy plus b4y square is equal to 0. एंगल बाइसेक्टर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h. So this will be x square
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए फोर माइनस बी फोर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन लैम्डा. ओके नेक्स्ट दूसरी जो लाइन है वो स्टैंडर्ड है हमारी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. एंगल बाइसेक्टर इज x square minus y square upon a minus b is equal to xy upon h. That means if they have the same angular bisector, तो ये दोनों equation same होनी चाहिए. Accordingly, जो coefficients हैं वो compare कर देता हूँ. Means a4 minus b4 upon a minus b should be equal to lambda upon h. Okay जी. 2 lambda h xy यहाँ भी h था. So put h here also. 2HXY lambda H upon H. HH cancelled out. So, yours this is A square minus B square into A square plus B square upon A minus B should be equal to lambda. So, what the answer should be? Lambda should be equal to A square plus B square into A plus B. ये cancel हो जाएगा. So lambda should be equal to a plus b into a square plus b square. This is the answer. So the answer should be a. Okay. Next question is the ortho center of triangle formed by the lines. Ortho center. By the lines xy is equal to 0. And x plus y is equal to 1. Ortho center. Now this is xy is equal to 0. These are the two separate lines. One is x is equal to 0, other is y is equal to 0. Is tarike se banegi wo. Y is equal to 0 is this line. X is equal to 0 is this line. X plus y is equal to line which makes intercept 1 here, 1 there. So obviously ortho center will be 0, 0. Quite a good and conceptual question. Okay ji. Point kya jayega? 0, 0. Clear now? Yes. Next question now. Yes, last question is the coordinates of the ortho center of the triangle 2x square minus 3xy plus y square is equal to 0. 2x square minus 3xy plus y square is equal to 0. Separate lines nikalo inki kya aayengi? Separate lines will be lines are 2x minus y is equal to 0 and x is equal to y. Okay, ye iski separate lines aagi. तीसरी लाइन वो फिर दोबारा से कह रहा है आपके पास कि जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, राइट. तो इनका 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. लेट अस चेक देम जस्ट. यस दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, ये बॉटम लाइन हो गई. x प्लस y इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप आपके पास क्या आ रही है 1, इसकी माइनस 1. तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर. वो ऑर्थो सेंटर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो इनका, दैट कम्स आउट टू बी हाफ एंड हाफ, क्योंकि हाफ प्लस हाफ ही 1 होगा, हाफ इज इक्वल. सो ऑर्थो सेंटर इज हाफ एंड हाफ, विच आई टोल्ड यू के ऑर्थो सेंटर बनता कहां पे है, वेयर द ट्राइंगल फॉर्म्स राइट एंगल. ओके नाउ yes now next question is 80th question again on this family of homogeneous equations. Wo keh raha hai the coordinate of the ortho center, as I told you earlier, the point of concurrence of altitude from the opposite vertices. Hamare paas line hai 2x square minus 3xy plus y square is equal to 0 and x plus y is equal to 1. ओके जी, इसकी सेपरेट लाइन बनाएं यूजिंग सिंपल फैक्टराइजेशन. यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 2x x माइनस y माइनस y x माइनस y इज इक्वल टू 0. सो दीज आर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0. सो ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म होगा, राइट जी. यहां मैं ले रहा हूं ओरिजिन 0 0, ये आपके पास है बच्चे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
दिस इज x माइनस y इज इक्वल टू जीरो, x प्लस y इज इक्वल टू जीरो. अब जरा ध्यान देना, द वर्टेक्स वेयर द ट्राइंगल फॉर्म राइट एंगल, द वर्टेक्स वेयर ट्राइंगल फॉर्म राइट एंगल, वहां भी उसका ऑर्थो सेंटर बनता है. तो अब इसकी स्लोप क्या आ रही है, इस लाइन की स्लोप कम्स आउट टू बी 1, इसकी स्लोप क्या आ रही है माइनस 1. तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपका ये क्या बनेगा 90 डिग्री. एग्रीड, मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 1. सो दिस इज 1 हाफ, सॉरी हाफ हाफ. सो द ऑर्थो सेंटर इज हाफ हाफ. ऑप्शन इज बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 81st. दिस वॉज 80th क्वेश्चन. 81st इज 2x square plus 7xy plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y plus k is equal to 0. वो कहता है दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, देन फाइंड k. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट देयर. ओके, यू अप्लाई डेल्टा हेयर मीन्स ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्केयर ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर इज इक्वल टू जीरो. यू विल फाइंड योर रिजल्ट, द आंसर इज डी हेयर. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स, लाइन्स हैं आप लोगों के पास 8x स्केयर प्लस 8xy प्लस 2y स्केयर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो. ओके जी, दीज आर द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस निकालिए इनके बीच में. आई गेव यू द रिजल्ट फॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्केयर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस सी, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्केयर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी. सो यू फाइंड आउट द डिस्टेंस यूजिंग दैट रिजल्ट, द आंसर कम्स आउट टू बी बी हेयर. ओके, सो बच्चे दैट्स द एंड ऑफ योर स्ट्रेट लाइन. क्लियर नाउ, वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट. नाउ डू इट थॉरली.